लोग आए दिन गिरते रहते हैं, लोगों को चोटें लगती रहती हैं। इवन एक वीक पहले मैं खुद यहाँ पर गटर में मेरी स्कूटी गिर गई थी, मैं खुद यहाँ पर गिरते गिरते बचा हूँ। हम रोज़ फ़ोन करते हैं महेंद्र चौधरी को और कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। उसके खिलाफ भी वीडियो बनाई, कोई नहीं सुनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं मैरोली के किशनगढ़ क्षेत्र में, और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं सड़कें कितनी ज़्यादा टूटी हुई है और सड़कों का कितना ज़्यादा बुरा हाल है। यहां पर पानी भी भरा हुआ है, यहां कितने ज़्यादा गड्ढे हो रखे हैं, आने जाने वाले लोगों को क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनको क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर, क्या नाम है आपका? मोहित महलावत। आप कहाँ के रहने वाले हैं? किशनगढ़ के। क्या कुछ कहेंगे, यहाँ पे इतना ज़्यादा बुरा हाल है सड़कों का और यहाँ पानी भरा हुआ है? क्या कहेंगे, हम तो कह के परेशान हो चुके हैं, इससे ज़्यादा क्या बोले। हम तो सबको बोल चुके हैं, लाइव वीडियो बना चुके हैं, और हमारे जगमोहन भाई है जो बीजेपी से हैं, वो भी आके सब बोल चुके हैं। उनके केजरीवाल के पोस्टर और सब कुछ बना के यहाँ गटर के अंदर पूरे डाले, जब भी उनको शर्म नहीं है। कोई ऐसा हमारे को तो दिख नहीं रहा इसका कोई इलाज है या कुछ होगा। कितने सालों से है ये परेशानी? ये 2 साल से तो हम ही देख रहे हैं इसको। हमें मंदिर भी जाना पड़ता था, उधर से घूम के जाते हैं, यहाँ से जा ही नहीं पाते। यहाँ रोज़ लोग गिरते हैं, रोज़ ही देखो क्या है, बाथरूम के पैर घर तक जाते हैं। और पानी यहाँ पे भरा हुआ है, और इसी पानी को अगर हम इसी पानी की बात करें तो हम घर भी हमारा यहीं पर है, तो हम पानी के साथ लेके जाएंगे तो क्या कुछ कहेंगे, बीमारियाँ भी हमारे साथ जाएंगी। ये पानी जो हमारा घर पीने का पानी जो जाता है उसमें भी यही पानी मिक्स होकर जा रहा है, क्योंकि ये सब यहाँ से नीचे से वही लाइन जा रखी है, सब घर तक जा रहा है यही गंदा पानी जो है। तो आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं है। कंप्लेंट वगैरह हुई है? हम रोज़ फ़ोन करते हैं महेंद्र चौधरी को और कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। उसके खिलाफ भी वीडियो बनाई, कोई नहीं सुनता। ये परेशानी बहुत ज़्यादा है। सर, क्या कहेंगे आप? जी, कहना क्या है, तो आप देख ही रहे हैं रोड यहाँ। पिछले जब से नरेश यादव जी MLA बने हैं, उनको 10 साल हो गए, हमारे रोड तब से बने ही नहीं है। तो कभी दौरा करने भी नहीं आते वो? नहीं, कभी दौरा करने नहीं आते वो यहाँ पर हमारे यहाँ। और ये जो केजरीवाल जी ने लोगों को गुमराह करके बोला था कि हम दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, दिल्ली को स्विट्जरलैंड बना देंगे, बना दिया। उनका स्विट्जरलैंड का मतलब है ये गटर वाला पानी और ये जो गंदी सड़कें हैं, ये सब उन्होंने दिया है। स्विट्जरलैंड की सड़कें हैं ये दिल्ली की सड़कें नहीं है, स्विट्जरलैंड की सड़कें हैं। उन्होंने बोला था कि हम दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, तो अच्छा खासा पेरिस बना दिया है यहाँ। ये हमेशा से ही इस रोड का ये हाल रहता है, और ना तो यहाँ की निगम पार्षद कोई सुनती है, उसको कंप्लेंट। यहाँ की निगम पार्षद कौन है? ये रेखा महेंद्र चौधरी आम आदमी पार्टी से है, और नरेश यादव जी यहाँ से विधायक है। उनको भी लिखित में भी कंप्लेंट दे चुके हैं, इकट्ठे होकर भी जा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है इधर की तरफ। और यहाँ लोग आए दिन गिरते रहते हैं, लोगों को चोटें लगती रहती हैं। इवन एक वीक पहले मैं खुद यहाँ पर गटर में मेरी स्कूटी गिर गई थी, मैं खुद यहाँ पर गिरते गिरते बचा हूँ, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। कौन होगा इसके जिम्मेदार? कौन है इसके जिम्मेदार? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी यहाँ के विधायक, ये काम तो विधायकों का है जी। तो यहाँ पे जो रेखा महेंद्र चौधरी हैं विधायक, आप जिसे कह रहे हैं निगम पार्षद, तो वो कभी दौरा करने भी नहीं आई? नहीं, कभी नहीं आई दौरा करने, कभी देखने भी नहीं आई किशनगढ़ की क्या हाल है। यहाँ किशनगढ़ में आती है तो हमारे सामने बाबा लटुरिया का मंदिर है, वहाँ तक आती है, मत्था टेक के वापस चले जाती है। उन्होंने कभी पैदल आकर देखा है या फिर गाड़ी से? कभी कभी नहीं आया वो पैदल यहाँ पर, कभी नहीं? नहीं, कभी नहीं आते पैदल, सिर्फ वोट मांगने के लिए वो पैदल घूमे थे यहाँ गलियों में, उसके अलावा कभी नहीं आए। वोट मांगने के लिए वो पैदल गलियों में घूम रहे हैं, और अगर लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं वो उसका हल नहीं कर रहे? नहीं हल कर, क्योंकि उनको तो वो तो जीत गए ना, अभी 3 साल 2027 तक तो वो रहेंगे ही, उनको क्या लेना देना पब्लिक से। पब्लिक गिरती है, गिरो मरती है, मरो। ये सब पब्लिसिटी है उनकी, ये सब पब्लिसिटी है उनकी। क्या कहेंगे, विधानसभा के इलेक्शन भी आ रहे हैं, क्या लगता है किसकी पार्टी का परचम लहरेगा इस बार? तो बीजेपी का परचम लहराना चाहिए, 10 साल हो गए लोग यहाँ से केजरीवाल की सरकार से परेशान है। क्या क्या और परेशानियों का सामना करना पड़ता है? एक तो ये देखिए जी, आप रोड तो दिखाई दिया आपने, एक जल बोर्ड की लाइनें हैं, कम से कम 50 साल पुरानी लाइनें हैं। ये जो सीवर का पानी है ये अंदर नल के थ्रू अंदर जा रहा है पानी, और उससे बीमारियाँ फैल रही हैं, लोगों को डेंगू मलेरिया हो रहा है। ये घर के बाहर जो पानी भरा है तो मच्छर तो पनपते ही हैं, मच्छर पने तो डेंगू मलेरिया अपने आप ही आएगा। अभी पीछे ये मेरा ही घर है, मेरे सामने टेनेंट के पीछे भी कुछ दिन पहले डेंगू हुआ इसी मच्छर की वजह से। तो जब हमने उनको MCD को 4 बार उनको फ़ोन किया, तब उन्होंने MCD की गाड़ी भेज कर यहाँ पर छिड़काव किया। और जो पीने का पानी है उसकी क्या सुविधा है? पीने के पानी तो पीने के लायक है ही नहीं यहाँ पर। क्या
ऐसा पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है सीवर का मिक्स होके आरो। गंदा पानी पीने लायक है जनता के? गंदा पानी पियेंगे तो जनता बीमारी हो जाएगी, सारी पेट की 10 बीमारी आ जाएंगी, तो पीने के लायक तो पानी है नहीं। तो उसके लिए क्या बोलेंगे आप? उसके लिए तो हम तो इस इनकमिंग सरकार को ही बोलेंगे, अब की बार ये है कि अब देश की इसकी दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा और इस सरकार को उखाड़ना पड़ेगा, बीजेपी की सरकार को लेके आएंगे इस बार। अगर फ्री की रेवड़ी अगर दोबारा दे दी केजरीवाल ने तो क्या लगता है आपको, जनता उन्हें फिर जिताएगी? मुझे तो नहीं लगता अब की बार फ्री की रेवड़ी के चक्कर में जनता आएगी, क्योंकि जनता फ्री की रेवड़ी के चक्कर में खुद ही परेशान हो गई है। जनता उनका असली चेहरा जान चुकी। जो बिजली के बिल के उन्होंने बोला था कि फ्री बिजली, मैं खुद अपना बिल पे करके आया हूँ अभी 8,500 रुपये का। ये सब उनके ढकोसले हैं कि हम फ्री का बिजली दे रहे हैं और फ्री की रेवड़ियाँ दे रहे हैं, ये सब उनका ढकोसले अब की बार नहीं चलने वाले हैं। अब की बार नहीं चलेंगे। सर क्या कहेंगे, विधानसभा के इलेक्शन में कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी, जैसे अभी 7 के 7 MP बने हैं ऐसे ही इस बार बिल्कुल साफ हो जाएंगे ये। इनके पास फ्री के सिवा है क्या देने के सिवा, बताओ क्या दिया इनने हमारे को? फ्री का भी तो हम जैसे को पैसे से दे रहे हैं जी, हमारा टैक्स जा रहा है फ्री के पैसे, तो वो अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हैं, हम जनता के पैसे से जा रहे हैं, हम जो टैक्स दे रहे हैं सरकार को उसी के पैसे से फ्री रेवड़ियाँ दे रहे हैं ये। इसी वजह से सरकार घाटे में जा रही, जल बोर्ड का जो घोटाला हुआ है 14,000 करोड़ रुपए का, ये किस वजह से हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है। बीजेपी पार्टी आई तो क्या क्या सुधार करेगी? अब बीजेपी पार्टी को तो हम ये सब दिखाएंगे ना, ये सुधार करेंगे, जो भी हमारा सुधार करेगा हम उसी पार्टी के साथ हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई हो, जो हमारा सुधार करेगा हम उसके साथ हैं। हमें किसी पार्टी से कुछ नहीं लेना देना, हमारे काम हो जाए बस, हमें किसी पार्टी से कोई वो नहीं है कि ये हमारी एंटी है या कुछ है, हमारे काम हो जाए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमारे बस काम हो जाए, जो हम परेशानी है ये परेशानी ना हो बस। ये 50-50 करोड़ के घर बनवा रहे हैं अपने, उसके बाद शीश महल बनवा रहे हैं, 10-10 लाख रुपए की सीट बनवा रहे हैं, पोर्ट जो है 10 लाख रुपए का पोर्ट है। वो कह रहे हैं कि जो शीश महल उन्होंने बनाया है वो तो सरकार की है। सरकार की कैसे, अब उनने उखाड़ कैसे लिया फिर, वो जब वो चेंज हुआ तो सब हटा लिया उनने, अगर वो सरकार का था तो छोड़ देते वहीं पे, क्यों निकाल लिया उनने, ये देखो ना। ये तो सब ये जनता का पैसा अपना पेट भर रहे हैं। हाँ, जनता का पैसा अपने शीश महल बना रहे हैं, उससे हम लोग परेशान हो रहे हैं, हम देखो कहाँ बाथरूम में पानी में घूम रहे हैं, यही हमारे घर तक जा रहा है, मंदिरों तक हमारी यही चीज़ पहुँच रही है, ये चीज़ बोलो उनको जो कोई सुन सके, हमने हर तरीके से ट्राई कर चुके, कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं है सुनने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है जी। आपने अभी बताया कि वो तो कह रहे कि सरकार का है, लेकिन सरकार के घर में आप 8-8 लाख के पर्दे नहीं लगा सकते ना, शीश महल आप बना के रह रहे हो, सरकार ने आपने तो बोला था कि मैं महल नहीं लूँगा, घर नहीं लूँगा, मैं 2 कमरे के मकान में रहूँगा, अब आप 6-6 बेडरूम के फ्लैट में रह रहे हैं, 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगा रहे हैं, वो कहाँ गए आपके बाद, बच्चों की कसम खाई थी। कहते हैं कि मैं चप्पल में जाने वाला और एक शर्ट पहनने वाला आम आदमी हूँ, उन्होंने तो ये भी कहा था मैं स्कूटी नहीं लूँगा, अब 4-4 गाड़ियाँ स्कूटी की उनके आगे पीछे चलती हैं, लग्जरी गाड़ी में घूमते हैं, जितने से पहले वो टूटी हुई वैगनार में घूमते थे अब वो लग्जरी गाड़ी में चलते हैं, शीश महल में रहते हैं, एक एक पर्दा 8-8 लाख रुपए का लगा रहे हैं, ये सब क्या ये आम आदमी करता है क्या? तो क्या लगता है आपको ये सब वो दिखावा करते हैं? सब दिखावा ही है जी, और क्या, सब पब्लिक जान गई जी, सबको शीश महल के बारे में पता है, सब उजागर हो चुका है वो। हरियाणा में उनका चेहरा सामने आ ही गया कि क्या है क्या नहीं है, यहाँ के लोग तो बाहर के हैं जो पागल बना देते हैं, एक बटन ऊपर बंद करके एक बटन नीचे बंद करके, वहाँ तो सब पता है ना कि क्या लोग, यहाँ तो लोग बाहर के काफ़ी लोग होते हैं, तो आप ये बताइए ना, जो जेल की हवा क्यों खा के आए हैं, उनके 2-2 मंत्री जेल में रह के आया, उप मुख्यमंत्री जेल में रह के आया, और फिर अगर इतने ईमानदार होते तो जेल में से आने के बाद इस्तीफा क्यों दिया, पहले इस्तीफा तो कहते हैं कि बीजेपी की वजह से हम जेल में गए थे, ईडी और CBI सब बीजेपी की कठपुतली है। लेकिन उनके तो 70 में से 62 विधायक है, और विधायक तो नहीं गए, औरों के पीछे तो ईडी नहीं लगी, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा ईडी उसी के तो घर जाएगी, ये 140 करोड़ की पब्लिक है उनके घर तो नहीं जाती, जो भ्रष्टाचार करेगा उसी को तो ईडी जाएगी। हमें तो नहीं लेके जा रहा कोई, हमें तो आज तक कोई FIR नहीं है, हमें तो नहीं लेके गया कोई, उन्हीं के क्यों लेके जा रहे हैं? भ्रष्टाचार करेगा उसी को तो लेके जाएगा ना जी। भ्रष्टाचार पार्टी कौन सी है? आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है बिल्कुल। लेकिन वो तो अपना मतलब दावा ठोकती रहती है कि मैं ईमानदार पार्टी हूँ, ईमानदार पार्टी, ये सबको पता लग गया जी, अब पब्लिक जान चुकी है कि कौन ईमानदार है, इस बार उसका रिजल्ट उनको मिल जाएगा, इस बार पब्लिक उनको दिखा देगी। अगर केजरीवाल ने एक के साथ एक शराब फ्री करी, एक के साथ अगर 2 शराब फ्री कर दी तो क्या लगता है जनता फिर से पागल बनेगी? देखो जो शराब पीने वाले हैं वो तो पागल बने जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जो एक के साथ एक फ्री दी है वो कितनी नकली जहरीली शराब दी, और शराब से पी के कितने लोगों की मौत भी हुई है, लोगों को ये समझना पड़ेगा। और इस पर क्या कहेंगे कि उन्होंने शराब भी फ्री करी थी? मैम अभी तो शराब घोटाले में उनके मंत्री जेल गए हैं, वो शराब उन्होंने फ्री नहीं की थी, शराब माफिया से सांठगांठ की थी,
उनका कमीशन कितना बढ़ा दिया था, जो पहले 2% 4% होता था उन्होंने 16% किया। तो इसीलिए तो शराब माफिया उनको बोला गया, शराब मंत्री। और वो पानी का बिल भी माफ़ करने के लिए कह रहे हैं फिर से दोबारा से, वो तो फिर सब हम लोगों के पास से जाएगा जी, जो हम लोग टैक्स कर रहे हैं भर रहे हैं उसी से बिल माफ़ हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये दोबारा फ्री की रेवड़ियां दे रहे हैं। मैं मार तो मिडिल क्लास आदमी को हम जैसे को पड़ती है, हमें तो अपना बिल पे करना ही पड़ता है। वो बोलते हैं जिसका 20,000 लीटर, तो जाहिर सी बात है जो उनका वोट बैंक है वो उन्हीं के लिए फ्री होता है, हम लिए तो लोगों के कुछ लिए फ्री नहीं है। या 200 यूनिट के लिए जब क्या घर में गर्मी में एसी चलाएंगे तो क्या 200 यूनिट आ जाएंगी, ये तो जाहिर सी बात है नहीं आएंगी। तो हम लोगों को तो पे करना पड़ेगा, वो जो फ्री का बिल भरते हैं उन लोगों का भी मिडिल क्लास को भी बिल पे करना पड़ता है। अभी वो मेहरौली में भी आए थे और उन्होंने एक भाषण में कहा था कि अपने बयान में कहा उन्होंने कि मैं दिल्ली का लाल हूँ तो दिल्ली वाले मुझे ज़रूर वोट देंगे क्योंकि दिल्ली वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं। जब भी उनको काले झंडे दिखाए गए मेहरौली में, लाल को तो काले झंडे दिखाए गए ना, तो उनका लाल है तो काले झंडे क्यों दिखाए गए। उन्होंने कहा कि जेल का जवाब वोट से देंगे, क्या लगता है वोट मिलेगी उनको? मैम दिया ना अभी लोकसभा चुनाव में, जेल का जवाब वोट से दिया ना, 7 सीटें बीजेपी जीत के आई और 7 सीटें आम आदमी पार्टी की 2 सीटों पर जमान जब्त हो गई। वो एक और दावा कर रहे हैं कि विधानसभा की सारी सीट आम आदमी पार्टी लेकर जाएगी। मैम वो तो अभी मैंने अभी 2 दिन पहले भी एक इंटरनल सर्वे देखा है, उसमें भी 50-60 सीटें बीजेपी आ रही है और इस बार आम आदमी पार्टी जा रही है। और यमुना जी जो नदी है उस पर क्या कहेंगे आप? उन्होंने बोला कि ये सब बीजेपी की गलती की वजह से है। उन्होंने तो ये भी बोला था कि मैं आपको 2 साल के बाद यमुना में डुबकी लगाकर दिखाऊंगा, अभी तक तो डुबकी लगा ही नहीं है। जबकि एक बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी वो डुबकी लगा के आए, वो बीमार भी हुए हैं, अभी तक साफ़ नहीं हुई। उन्होंने खुद दावा किया था कि मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले यमुना में डुबकी लगाऊंगा, तो क्या आप उनके MLA जी सुन रहे हो तो उनको बोलो ना कि क्या डुबकी लगाई केजरीवाल जी ने? कुछ नहीं किया, सब ढकोसले, सब नाटक है, सब ढोंग है। पहले जो पार्टी थी यहाँ पे किशनगढ़ में, जो विधानसभा थे या फिर निगम पार्षद में थे, उन्होंने काम किया था और कौन सी पार्टी जी? इनसे पहले तो रेखा मंदा चौधरी से पहले यहाँ पर निगम पार्षद थी आरती यादव जी, उन्होंने कुछ सड़कों का निर्माण कराया था। उनसे पहले कुसुम खत्री जी, वो भी बीजेपी से थी। तब हमारा वार्ड वसंत कुंज में, हमारा गांव वसंत कुंज वार्ड में आता था। ये रोड तब से ही बने हुए हैं, उनके बाद से ये रोड नहीं बने जी आज तक। ये नाली के बाद से ये रोड बने ही नहीं, नहीं बने तब से, ये ऐसे ही खराब सब ऐसा ही है बिल्कुल। तो वो अपना पेट भर रहे हैं, ये तो हम क्या बोले, सबको पता है आम आदमी पार्टी के बारे में। तो जितनी जल्दी से ये पार्टी उभर के आई थी उतनी जल्दी से देखना बिल्कुल गिरने वाली है ये पार्टी। इस बार क्या लगता है किशनगढ़ या मेहरौली विधानसभा से आम आदमी पार्टी आएगी जी? हमें तो नहीं लगता कि इस बार नरेश यादव जी को टिकट भी मिलेगी शायद, और मिलेगी तो इस बार हम यहाँ से उनको दिखा देंगे कि इन्होंने जो सब किया है, यहाँ गाँव का बेड़ा गर्क किया है, उसका फल इस बार उनको देंगे अच्छे से। सर क्या नाम है? जितेंद्र कुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले? बिहार। क्या कहेंगे, यहाँ पे सड़क की हालत इतनी ख़राब है और पानी भरा हुआ है, 10-20 साल से तो 10 साल से तो देख रहा हूँ जी ऐसे ही है जी, ये सारे ख़राब हैं पूरे। रोज़ गाड़ी वाले आते हैं, साफ़ करते हैं, फिर चले जाते हैं, वो तो होता नहीं है कुछ, ना सीवर लाइन डलना है ना कुछ भी। क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम देख रहे हैं आपकी दुकान भी है यहाँ पर, तो कस्टमर आप आते हैं यहाँ पे? नहीं उतना नहीं, क्योंकि ये रोड की वजह से अभी तो ठीक, थोड़ा सा भी ठीक नहीं है बिल्कुल, इसमें पानी भरा रहता है बिल्कुल। कितने सालों से है ये? 8-10 साल से तो ऐसे ही देख रहे हैं। 8-10 साल से ऐसे ही है। तो किसकी गलती है इसमें? अब सरकार तो अभी जिसकी होगी उसी की गलती है अभी तो। कौन है यहाँ के विधायक और पार्षद में? कौन विधायक तो अभी आम आदमी पार्टी से ही है और पार्षद भी। वो यहाँ पे कभी दौरा करने नहीं आते, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो दावा करती है। जब वो आते थे, वो जब चुनाव के टाइम पे आए यहाँ पे, पार्टी झंडा बैनर लगाए, उसके बाद काम किए, उसके बाद ख़त्म। वोट मांगने के लिए आते हैं, बाकी जनता की परेशानियां का कोई हल नहीं बनता, कोई मतलब नहीं। और यहाँ पे निगम पार्षद में कौन है? ये अपने, ये क्या कहते हैं, ये महेंद्र, रेखा महेंद्र चौधरी। हाँ, वो कभी दौरे करने के लिए नहीं आई है यहाँ पे? एक बार नहीं, वो तो नहीं आती है, उनके हस्बैंड आते हैं। आते हैं वो? हाँ, महेंद्र जी एक बार आए थे, जो एक बार शिविर की सफाई के लिए, बस उसके बाद से वो, उसके बाद से वो भी नहीं आए, गायब हो गए। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये तो सरकार जाने। शिकायत नहीं करी आप लोगों ने, क्योंकि आपकी यहाँ पे दुकान भी है, कितने कस्टमर? बार शिकायत किया हमने, कितनी बार शिकायत किया, तो वो बोलते हैं उनका नाम, वो बोलते हैं उनका नाम, यही सब। कोई सुनवाई वगैरह नहीं होती आप लोगों की? नहीं कोई सुनवाई नहीं, वो बोलते हैं कभी आते हैं, सुनवाई में यही है गटर वगैरह साफ करवाए फिर चले गए। ये तो फिर भरा ही रहता है, यहाँ कोई देखने वाला तो है नहीं। इतना ही पानी भरा रहता है या इससे भी ज़्यादा पानी भर जाता है गड्ढों में?
अभी तो कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा ज़्यादा पानी आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है, दुकान के अंदर भी पानी चला जाता है बिल्कुल लगता है। लेकिन ये पानी आया कहाँ से, क्योंकि अभी तो बारिश का भी सीज़न नहीं है, बारिश का भी मौसम नहीं है, तो आया कहाँ का? गटर का पानी की वजह से। हाँ, गटर साफ नहीं होती, गटर सारे ब्लॉकेज है, फिर वो ब्लॉकेज को खुलवा ही नहीं रहे हैं। क्यों खुलवा क्यों नहीं रहे? अब ये तो वही जानेंगे। क्या लगता है आपको, विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, किसको, किस पार्टी को वोट देंगे? बीजेपी ही ठीक रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर वो काम करेगी तो अच्छा रहेगा ना। यहाँ पे पहले जो हमने हमने अभी उनसे बात की तो हमने जाना कि यहाँ पे पहले बीजेपी की पार्टी थी, तो उन्होंने काम किया है, उसके बाद से ये सड़क बनी नहीं है, तो आपको भी यही लगता है कि बीजेपी पार्टी यहाँ पर आनी चाहिए? हाँ, कुसुम खत्री जब थी ना, तो उस समय में ये सड़क बना था, उसके बाद से नहीं, उसके बाद से सड़क नहीं बनी है, बिल्कुल नहीं। तो आम आदमी पार्टी को हट जाना चाहिए? हट ही जाना चाहिए, ऐसे में तो अगर काम करती तो फिर उसे जनता देती वोट, अब देखा जाएगा इलेक्शन के टाइम में। इलेक्शन तो कौन जीतेगा, क्या लगता है पूरे दावे के साथ? बीजेपी जीतना चाहिए, बीजेपी जीतनी चाहिए, उनके काम अच्छे होते हैं, उनके काम बेहतर है आम आदमी पार्टी।